हाय गाइस, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एंड सबस्टेशन गुरु और आज हम जानेंगे आइसोलेटर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि आइसोलेटर में आइसोलेट शब्द का अर्थ ही अलग करना होता है, तो आज हम आइसोलेटर के पांच बातों के बारे में जानेंगे। पहला कि आइसोलेटर किसे कहते हैं, दूसरा आइसोलेटर का उपयोग सबस्टेशन में क्यों किया जाता है, तीसरा कितने प्रकार के आइसोलेटर का उपयोग सब स्टेशनों में किया जाता है, और चौथा आइसोलेटर कार्य कैसे करता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, और पांचवा जो अधिकांशतः इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आइसोलेटर को हमेशा ऑफ लोड कंडीशन में ही क्यों ऑपरेट किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल एंड सबस्टेशन से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जानते हैं अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कि आइसोलेटर किसे कहते हैं। तो आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस होती है जो किसी उच्च धारा वाली विद्युत सर्किट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके विद्युत सर्किट को डी एनर्जेटिक करने का कार्य करती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि 315 एमवीए ट्रांसफार्मर से उच्च धारा निकल रही है और इस आइसोलेटर के क्लोज होने के कारण यह उच्च धारा एले सीटी सर्किट ब्रेक से फ्लो होते हुए इस 33 केवी स्टेशन ट्रांसफार्मर को इनपुट दे रही है, यानी चार्ज कर रही है। लेकिन जब हम इस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे इस प्रकार से, तो इस 315 एमवीए ट्रांसफार्मर से एनर्जी तो फ्लो होगी, लेकिन इस आइसोलेटर के ओपन होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई इस विद्युत सर्किट में प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिससे कि अपना स्टेशन ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं हो पाएगा और वह डी एनर्जेटिक हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि सब स्टेशनों में आइसोलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब किसी भी प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारक के कारण लाइन के किसी भी इक्विपमेंट में फॉल्ट आ जाती है या उस इक्विपमेंट का हमें मेंटेनेंस वर्क करना होता है, तो हम लाइन या विद्युत सर्किट में होने वाली धारा प्रवाह को बंद करने के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को डिस्चार्ज करते हैं या बंद करते हैं, ताकि जब हम मेंटेनेंस वर्क करें तो लाइन में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो। लेकिन हम सर्किट ब्रेकर को डिस्चार्ज करने के बाद भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से सर्किट ब्रेकर के ऑफ दिखाने के बाद भी लीकेज करंट फ्लो होती रहती है। तो इस अनिश्चितता को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए लाइन में आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ओपन होकर विद्युत सर्किट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है और लीकेज करंट को ग्राउंड कर देती है, और जिसे हम ओपन हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं और सुनिश्चित होकर मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि सबस्टेशनों में कितने प्रकार के आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। तो सबस्टेशनों में तीन प्रकार के आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। पहला होता है सिंगल पोल आइसोलेटर, जिसमें सिर्फ एक पोल का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग 33 केवी सबस्टेशनों में किया जाता है। और दूसरा है डबल पोल आइसोलेटर, जिसमें दो पोल होते हैं, एक ये और एक ये। इसका उपयोग 220 केवी सबस्टेशन और 132 केवी सबस्टेशनों में किया जाता है।
और तीसरा है थ्री पोल आइसोलेटर, जिसमें तीन पोल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग 400 केवी सबस्टेशन और उससे उच्च क्षमता वाली सबस्टेशनों में किया जाता है। तो अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ कि आइसोलेटर कार्य कैसे करता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। यह जो ब्राउन कलर का चीनी मिट्टी से बना भाग होता है उसे इंसुलेटर कहा जाता है और इस भाग को स्टील आयरन स्टैंड कहा जाता है और यह जिस रॉड के माध्यम से कनेक्ट होता है उसे कनेक्शन रॉड कहा जाता है और यह रॉड स्विचिंग रॉड कहलाता है जो इस बॉक्स में लगे स्विचिंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। इस स्विचिंग इक्विपमेंट में जब हम ओपन बटन पुश करते हैं तो यह ओपन हो जाता है और ऑफ बटन पुश करने से यह ऑफ हो जाती है। अपने आइसोलेटर में दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक होता है मूवेबल मेल कॉन्टैक्ट जो यह सेंटर वाला भाग होता है और दूसरा होता है फिक्स्ड फीमेल कॉन्टैक्ट जो इसके लेफ्ट और राइट साइड में उपस्थित है। अपने आइसोलेटर को हम दो प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं। एक यह मैनुअली स्विचिंग इक्विपमेंट द्वारा और दूसरा होता है कंट्रोल रूम में लगे कंप्यूटर के द्वारा। तो अब हम जानेंगे कि आइसोलेटर कार्य कैसे करता है। तो अपना आइसोलेटर ओपन और क्लोज होकर लाइन में होने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का कार्य करती है। जब आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं तो यह कनेक्शन रॉड जो मूवेबल मेल कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ होता है वह फिक्स्ड फीमेल के दोनों कॉन्टैक्ट से अलग हो जाती है। तो चलिए फिर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। तो चलते हैं अपने पांचवे क्वेश्चन की तरफ कि आइसोलेटर को हमेशा ऑफ लोड कंडीशन में ही क्यों ऑपरेट किया जाता है और जानते हैं कि इसको ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करने से सबस्टेशन को क्या क्या नुकसान हो सकती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आइसोलेटर को ऑफ लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के बाद भी कितनी ज़्यादा मात्रा में स्पार्किंग हुई। अगर गलती से आइसोलेटर को ऑन लोड की स्थिति में ऑपरेट कर दिया जाए तो लाइन में इतनी ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती रहती है कि इस कारण आइसोलेटर में इतनी तेज आर्क और हीट प्रोड्यूस होगा जिससे कि अपना आइसोलेटर डैमेज हो सकता है या उसमें आग लग सकती है जिसके कारण इसके आसपास के सभी इक्विपमेंट डैमेज हो सकते। तो इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए एवं इक्विपमेंट की सुरक्षा हेतु आइसोलेटर को कभी भी ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं किया सकता। इसको हमेशा ऑफ लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।